देख देख बता दे गैरी का क्या प्लान है, प्लीज हमको बता दे। अगर तकलीफ में वो बहुत मुसीबत में है, अगर तू ऐसे वक्त पर उसका साथ नहीं देगी तो फिर मैं सच बोल रही हूँ साहिबा। अगर मुझे गलती से भी पता चला ना कि मेरे बेटे के लॉकर से इंफॉर्मेशन लीक करने में तेरा जरा सा भी हाथ है तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और अगर साहिबा की बात सच निकली कि गैरी जिंदा है फिर तो तू मेरे हाथों बचेगी नहीं। साहिबा पुत्र, तुझे पूरा यकीन है कि सीरत का ब्रेसलेट अंगद के कबाट के पास था? हाँ जी दारजी। सीरत, सच क्या है बोल दे, गलती हुई है तो मान ले, अब एक गलती को छुपाने के चक्कर में दूसरी गलती मत कर। मैं सच कह रही हूँ दाजी, जिस बारे में कोई आइडिया नहीं, तो पहले से ही अंगद के साथ इतना बुरा कर चुकी, मेरी वजह से इतनी तकलीफें पहुंची, एक बार और उसके साथ कुछ गलत करने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती। मुझे वाकई नहीं पता था दाजी कि अंगद के रूम में कोई लॉकर भी है। अरे वो लॉकर दिखता कैसा है मैं तो ये भी नहीं जानती। मैं सच कह रही हूँ दाजी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर मुझे पता होता कि मेरा ब्रेसलेट उस लॉकर के आसपास गिरा है तो मैं पूरे घर में क्यों अपना ब्रेसलेट ढूंढती फिरती। चाहे किसी को हम पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन अंगद और मैं दोनों जानते हैं कि सच क्या है। हम दोनों ये जंग साथ में लड़ने वाले थे, लेकिन हमारे दुश्मन हमसे दो कदम आगे निकले, उन्होंने अंगद को जेल में पहुंचा दिया, लेकिन मैं अभी भी बाहर हूं। जैसे सावित्री माँ अपने पति को यमराज से बचाकर लेकर आई थी, वैसे ही मैं भी अपने पति को इस मुसीबत से बचाकर जरूर निकालूंगी। गैरी और यशराज बवेजा का सच मैं पूरी दुनिया के सामने लाकर रहूंगी, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मेघा कश्यप नहीं चाहती कि मैं अंगद से मिलूं, लेकिन वो मुझे रोक नहीं पाएगी।